बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां दिल्ली में बांग्लादेश को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। दरअसल संसद परिसर में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेताओं को ब्रीफ किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू इस दौरान बैठक में मौजूद नजर आए। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद रहे। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। दिल्ली में यह बैठक बुलाई गई संसद परिसर में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू भी इस बैठक में मौजूद नजर आए। बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली में बांग्लादेश को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेताओं को ब्रीफ किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो अब खत्म हो गई है। संसद परिसर में केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेताओं को ब्रीफ किया। तो बांग्लादेश के हालातों पर भारत की लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली में बांग्लादेश को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। संसद परिसर में केंद्र सरकार की यह सर्वदलीय बैठक हुई, जो बैठक अब खत्म हो गई है। फिलहाल बता दें कि इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेताओं को ब्रीफ किया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रदीप जी, बांग्लादेश के हालातों पर अब भारत की भी नजर बनी हुई है। इसको लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, हालातों को लेकर के चर्चा की गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पूरे मामले को ब्रीफ किया नेताओं को। विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। क्या कुछ इस बैठक के बाद निष्कर्ष निकला? आगे की स्थिति क्या कुछ होने वाली है? देखिए, बिल्कुल, एक सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें विपक्षी नेताओं को ब्रीफ किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी दी गई है और इसमें गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल रही हैं इस बैठक में। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक संसद परिसर में ये बैठक हुई है जिसमें ब्रीफ किया गया है और माना जा रहा है कि आज बांग्लादेश के हालात पर संभावना ये जताई जा रही थी कि क्या विदेश मंत्री बयान देंगे ताजा हालात पर। हालांकि स्थिति ये बताया जा रहा है बांग्लादेश में अभी भी अस्थिरता का माहौल है और जिस तरीके से हिंसा की खबरें आ रही हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बातें चिंता पैदा करती हैं। लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि फिलहाल वहाँ हालात ऐसे नहीं है कि निकासी अभियान शुरू किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर हवाई सेवाएं, रेलवे सेवाएं यहाँ पर बंद की गई हैं भारत की ओर से। तो ऐसे में पूरी परिस्थिति इस बात को लेकर है कि वहाँ पर हालात सामान्य हों, अंतरिम सरकार का गठन हो, जो प्रदर्शनकारी हैं वो वापस लौटें और एक स्थिर माहौल वहां पर बने। तो फिलहाल अभी सर्वदलीय बैठक में ताजा हालात को लेकर ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है। एक महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश और जिस तरीके से यहां पर जो शेख हसीना के बेटे हैं उन्होंने दावा किया है कि अब पाकिस्तान जैसे हालात यहाँ होंगे, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंताएं पैदा करती हैं। तो अब भारत की प्राथमिकता अपने हितों को लेकर, कूटनीतिक प्रयासों को लेकर और इस शेख हसीना की मौजूदगी जो यहाँ पर है, जो कल पहुंची हैं, तो उनको सुरक्षित और निकासी देने की प्राथमिक तौर पर भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, पड़ोसी धर्म निभाया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो संसद सत्र चल रहा है और विपक्षी पार्टियों के कई नेता यहाँ पर इस मुद्दे पर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बने हैं तो उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। तो ये जरूर है कि अब जो इस पूरे मामले को लेकर सरकार की प्राथमिकता है वो यहाँ पर ये है कि वो ब्रीफ करे सभी, सर्वदलीय बैठक कर भरोसे में लिया गया है राजनीतिक दलों को, उनको ताजा हालात से अवगत कराया है ताकि किसी भी अप्रिय बयान से बचा जाए और हालात सामान्य होने के बाद ही इस पर
पूरी तरीके से बयान विदेश मंत्री का आ सकता है, तो फिलहाल निगाहें लगी हैं क्या विदेश मंत्री आज सदन के अंदर इस पर स्थिति साफ करेंगे या फिलहाल अभी देखो और इंतजार करो कि रणनीति सरकार अपनाएगी। कल सीएस की बैठक हुई थी केंद्रीय सुरक्षा मामलों की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे हालात पर जानकारी ली थी और इसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को भी यहाँ पर भरोसे में लिया गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी विदेश मंत्री ने कल मुलाकात की थी और आज सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों के नेताओं से अहम चर्चा हुई है, उनको ब्रीफ किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी।